लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है और यही कारण है कि शहर के नारायण विहार कॉलोनी में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले दबंगों के आश्रयानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की। देखिए खबर। ग्वालियर शहर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के नजदीक नारायण विहार कॉलोनी में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाने वालों के आश्रयाने तोड़ दिए गए, जहां राजस्व नगर निगम और पुलिस का अमला जेसीबी मशीनों और अन्य तोड़ू दस्तों के साथ नारायण विहार कॉलोनी पहुंचकर यहां पर कार्रवाई की। नारायण विहार कॉलोनी में जो है औद्योगिक विभाग की जो है काफ़ी बड़ी ज़मीन पर जो है लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आज जो है SDM अतुल सिंह के नेतृत्व में CSP राजीव जंगले और नगर निगम की टीम ने जो है वहाँ पे आज अतिक्रमण से मुक्त कराया। करीब 50-60 लोगों ने टीन सेट के मकान और नींव वगैरह खोल ली, प्लॉटों पर कब्जा कर लिया था, तो अतिक्रमण से मुक्त कराया पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम। नारायण विहार में आज सूचना मिली कि वहाँ जो नगर निगम का पार्क और कुछ सरकारी जगह जो पड़ी हुई थी वहाँ कुछ लोगों ने खुर्द कर और रजिस्ट्रियाँ करा वो क्या नाम नोटरी कर दी हैं और नोटरी के आधार पर कई लोगों ने अलग अलग करके भेज दिए हैं, तो उसमें करीब 100-125 के आसपास मकान लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे। किसी की नींव भरी पड़ी हुई थी, किसी की दीवार थी और कुछ में तो किराएदार भी बस गए थे। तो ऐसी जगह जब सूचना मिली, जिला प्रशासन से भी सूचना मिली कि सुबह आज वहाँ सभी पहुँचे और विशेष तरह से जो कब्जा किया उसे हटाना है, तो वहाँ सुबह 9 बजे वहाँ पर जाकर के पूरा स्टाफ ले गए और करीब 100 मकान जिनके कुछ अधूरे थे कुछ पूरे बन चुके थे, कुछ किराएदार रह रहे थे वहाँ और कुछ मतलब मूल कोई नहीं रह रहा था, और वो सबको उन्हें खाली करा के और सभी को तोड़ दिया था। ये अतिक्रमण मात्र 6 महीने के अंदर हुआ है और बड़ी तीव्र गति से हुआ था, और लोगों ने ये बताया रजिस्ट्रियाँ वो कहना नोटरियाँ तो उन्होंने करीब 1-2 साल की भी हैं उसमें, लेकिन बनाना सब ने 2 महीने से लेके और 6 महीने के बीच में सबने बनाया। बता दें कि ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित जमीन पर बने कच्चे पक्के मकान, खुदी हुई नींव और अन्य कब्जों को यहां से हटा दिया गया। भारी भरकम अमला देखकर लोगों ने भी उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP News ग्वालियर।